अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आम आदमी के चैनल से मोहम्मद सलीम राजा फिर आपके खिदमत में हाजिर है। एक बहुत पुराने, बहुत ही नासूर वाले, ज़ख़म वाले मसले के साथ, आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर, बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की फरमाइश की कि इस मुद्दे पर आप ज़रूर इस पर आवाज़ उठाइए। तो आज फिर आम आदमी के चैनल से हम आपके साथ मुखातिब हैं और आज का मसला जो है वो है के इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस पर रिसर्च करने जाएं और तहकीक करें कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, द वर्ल्ड बिगेस्ट बेगैरत महकमा, दुनिया का सबसे बेगैरत तरीन, पुरसरार, दुनिया का सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे खबीस और जिंदीक महकमा, अगर कोई आपको दुनिया में तलाश करना हो तो उसे तलाश करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके शहर में के इलेक्ट्रिक के नाम से मौजूद है। इसके लोग दुनिया के सबसे बेगैरत तरीन लोग हैं। इस महकमे ने जो कुछ किया है इस शहर के लोगों के साथ, और ये जितना पुरसरार महकमा है, इसके बारे, पुरसरारियत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन हर पार्टी ने इस शहर के ऊपर हुकूमत की, सिवाय शहर के लोगों के। शहर के लोगों के अलावा हर पार्टी ने शहर पर हुकूमत की, और हम शहर वाले जो हैं वो हमेशा रोटी निवाले के लिए बिलकते, तड़पते, फड़कते रहे, लेकिन इस शहर पर हर पार्टी ने हुकूमत की, इंजॉय किया, अपनी अपनी सीटों को इंजॉय किया और आज तक कर रहे हैं। किसी की भी मिसाल ले लें आप, सबसे पहले आप अगर बहुत थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा तो इन्जॉय करते हुए एम के एम ने गुजारा। 17 साल इन्होंने अपने गवर्नर को, देखें मेरा खुद भी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग हूँ मैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ ज़्यादती करे तो उसका उर्दू स्पीकिंग होना, पंजाबी महाजिर होना, सिंधी होना या बलोची होना, कुछ भी होना ज़रूरी हो, पठान होना, कुछ भी चीज़ ज़रूरी हो, ज़रूरी नहीं कि किसी कौमियत के हवाले से बात की जाए। बात यह है कि चाहे कोई भी हो, अगर किसी के साथ ज़्यादती करेगा तो उसे उसकी बददुआ भी लगनी चाहिए, उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो एम के एम ने अपना जो वक्त गुजारा जो कराची के अंदर, वो इन्होंने जितना बड़ा वक्त गुजारा, उस इतने बड़े वक्त में आज हर शख्स जानता है कि उर्दू स्पीकिंग ने इससे कुछ हासिल नहीं किया, कुछ भी हासिल नहीं किया, एक रत्ती बराबर भी हासिल नहीं किया, बल्कि सिवाय अपनी इज्जत के, अपनी जानों के, अपनी नस्लों के, अपने नौजवानों के गंवाया है, एक रुपए का भी कुछ नहीं गंवाया। खैर, ये बात थोड़ी सी इस तरफ चली गई, सियासत की तरफ, मैंने इसलिए आपको कहा कि 17 साल एमक्यूएम के गवर्नर इशरतुल इबाद ने सीट पे बैठ के इंजॉय किया, भरपूर तरीके से इंजॉय किया गवर्नरशिप को, और उसके बाद वो यहाँ से जा चुके हैं और अब अपनी ज़िंदगी को दोबारा इंजॉय कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में अपनी औलादों के साथ। उसके बाद उनके लोगों ने, उसके बाद पार्टी के लोगों ने, बहुत हर किसी ने इंजॉय किया। आज तक वसीम अख्तर इंजॉय कर रहे हैं, 2-4 लाख रुपए की तनख्वाह उनको सीट पे बैठे बैठे मिली है, सीट पे चिमटे रहेंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी ने आज तक इंजॉय किया, भुट्टो के नाम से इंजॉय किया, भुट्टो ज़िंदा है, ज़िंदा है, ज़िंदा है, लेकिन आवाम आज तक मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है, इस आवाम में कुछ नहीं बचा, इस आवाम की हड्डियों से गोश्त आप लोग नोच चुके हैं, अभी हड्डियों के पिंजर घूम रहे हैं सड़कों पर, इनसे आप, इनकी हड्डियों से गूदा निकाल के चूसना चाहते हैं तो वो भी चूस लीजिए। भुट्टो ज़िंदा है, बीबी ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है, फिर जरदारी ज़िंदा था, आज अब जरदारी भी अपनी अख्तिताम की तरफ हैं, फिर वो ज़िंदा हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो हैं, वो कहते हैं बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा आता है तो ज़्यादा आता है। लानत है यार इस सियासत के ऊपर जो इस शहर के लोगों को एक रोटी का निवाला ना दे सके, जो इस शहर के लोगों को एक बल्ब की रोशनी ना दे सके। और ये महकमा, ये हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के महकमे के बारे में, तो ये महकमा इतना पुरसरार महकमा है कि इतने सालों के दौरान, चाहे फ़ौज की हुकूमत रहे, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे, चाहे एम के एम की हुकूमत रहे, इतने सालों के दौरान इस शहर पर, इस महकमे पर, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो इसके ऊपर उंगली उठा सके। कोई कितना ही चीखता रहे, आवाम कितनी चीखती है,
सिर्फ हुकूमती सतह पर कहा ज़रूर जाता है कि इलेक्ट्रिक का अपना किबला दुरुस्त करे, ये करे, वो सब इसलिए कि जब घर का बच्चा होता है ना तो वो किसी को मार के जब आता है तो उसको ऐसे ही हाथ सर पे रख के बोलते हैं आइंदा नहीं करना। तो ये वही वाली सूरत हाल है भाई, ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये इतना खबीस और जिंदीक और इतना नासूर बन चुका है ये महकमा कि अगर अवाम अभी भी होश नहीं लेना चाहती इसके लिए, देखिए अवाम को जब तक खुद आप नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। इस खबीस और बेगैरत महकमे के लिए जब तक अवाम खुद सड़कों पर नहीं आएगी एक रुपए का आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि आप लुटते रहें, आप जलते रहें, कूड़ते रहें, आप किसी भी सहूलत के बग़ैर रहें, अपनी मेहनत की कमाई कमा के इन खबीसों को देते रहें, इन जलीलों को, इन बेगैरतों को पे करते रहें, जब तक आप नहीं निकले। आम आदमी को खुद निकलना पड़ेगा मेरे भाई। देखें अपनी जब चोट लगती है ना तो इंसान पट्टी कराने खुद जाता है, किसी रिश्तेदार को नहीं भेजता, किसी से ये नहीं कहता कि यार मेरे पाँव में चोट लगी थी तुम जाके पट्टी करवा के आ जाना। मेरे भाई खुद ही निकलना पड़ेगा जब तक ये आवाम, हम आवाम जब तक खुद अपने लिए नहीं सोचेंगे। हमने आज तक अपने लिए नहीं सोचा, हम दूसरों को जिंदाबाद मुर्दाबाद ही करते रहते हैं। जो आया उसे हमने जिंदाबाद 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 कह दिया, जो चला गया उसे मुर्दाबाद 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 कह दिया। अरे जो आ रहा है उस बेगैरत का पिछला तो देखो मेरे भाई, यहाँ तो हर शख्स जो है वो सिर्फ़ खेलता है आवाम से। ये वही लोग हैं पीटीआई के बेगैरत लोग जिन्होंने नारे लगाए टीवी के ऊपर खड़े होकर के कि पेट्रोल 45 रुपए होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिजली के बिल जलाए खड़े होकर के कि 8 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूनिट। आज यही बेगैरत जो हैं वो बिल्कुल खामोशी से सन्नाटे में बैठ के हमें 70 रुपए किलो आटा भी बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो चीनी भी बेच रहे हैं। तो ये हम आवाम ही तो हैं जो हम खा रहे हैं, हम अपने आप को लुटवा रहे हैं, हम अपनी हड्डियों को, हम गोश्त तो दे चुके हैं। हम पिछले 30 सालों के दौरान तमाम सियासी पार्टियों को अपना गोश्त अपनी हड्डियों से नोच के दे चुके। ये वो गिद हैं जो सिर्फ गोश्त नहीं खाते, हड्डियाँ भी चूसते हैं। तो अभी हमारी हड्डियाँ चूस रहे हैं। तो मेरे भाई जब तक हम ये वो इतना पुरसरार महकमा, इतना पावरफुल महकमा हो गया ये कि इलेक्ट्रिक खबीस के इसके ऊपर कोई शख्स भी, हर महकमे को जिस महकमे में ज़रा सी तकलीफ़ पहुंचती है वहाँ महकमे में एक आर्मी का बंदा बिठा दिया जाता है कि जी आप ये महकमा अब ठीक हो जाएगा, ये रिटायर्ड साहब बिठा दिए गए माशाल्लाह ये अब ठीक हो जाएगा। और होता भी है कि वो थोड़ा बहुत वहाँ पर हिलजुल होती ज़रूर है। स्टील मिल में भी ऐसा किया गया, दूसरी जगहों पर भी किया गया, लेकिन स्टील मिल भी बेचारी आज तक ना खड़ी हो पाई। और अब दूसरे महकमों में भी किया गया, PIA में भी ऐसा किया गया कि जहाज़ गिरा तो उन्होंने कहा जी ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। तो इस महकमे के लिए हो सकता है बिठाया भी गया हो, लेकिन मैंने कहा ना ये एक ऐसा पुरसरार महकमा है, इतना ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे बेगैरत, दुनिया का सबसे जिंदीक महकमा, खबीस महकमा है ये। इस महकमे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सिवाय हम आवाम के। ये एक बात अपने जहन में ज़रूर रख लीजिए मेरे दोस्तों कि सिवाय हम आवाम के इस महकमे का और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप इस महकमे पे टैंक लेके चढ़ाई करा दें, पता नहीं इस कौन से जिन पाले में, कौन सा इन्होंने रिश्वत के बाज़ार गर्म किए हुए, अंदर से किन लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं ये कि जो इनके ख़िलाफ़ कोई नहीं खड़ा होता, कोई हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती कि के इलेक्ट्रिक अकेला क्यों और कंपनीज़ क्यों नहीं, जब जैज वारिद मोबिलिंक और जब मोबिलिंक यूफोन टेलीनोर और जोंग जैसी कंपनीज़ को मौका दिया जा सकता है तो बिजली के मामले में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस आवाम की हड्डियों से गूदा चूसना है आपने, क्यों नहीं दे सकते? जब चाइना 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 चिल्लाते रहे कि चाइना को दे रहे हैं, चाइना हमें बिजली दे रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जितना बेवकूफ़ इस कौम को बनाया जा रहा है या ये कौम खुद बन रही है। मेरी आखिरी आपसे उम्मीद और आखिरी गुजारिश यही है कि हम खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। हमें जब तक ये आवाम खुद बाहर नहीं निकलेगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आम आदमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और
प्लान बनाइए, कमेंट में अपने प्लान दीजिए, बताइए कि हम सबको मिलके इस खबीस और बेगैरत महकमे के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह निकलना चाहिए। सबके प्लान को, सबकी कमेंट्स को, सबके सजेशंस को, सबकी सिफारिशात को हम सब मिल के देखेंगे। हमें अपने लिए, अपने ज़ख्मों के लिए खुद ही मरहम पट्टी करना होगी, ये बात याद रखिए, वरना हमारा कुछ नहीं हो सकता। आगे हम जिस तरफ जा रहे हैं, आज हम 100 रुपये किलो बिजली चीनी खा रहे हैं, 70 रुपये किलो आटा खा रहे हैं, आज हम 170 रुपये का डॉलर यूज़ कर रहे हैं। बांग्लादेश जैसा मुल्क हमसे बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया हमसे बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे, हम इंडिया को ऐसा वैसा ये वो सब, ये सब फालतू बातें हैं, बिल्कुल फालतू बातें हैं। हमसे बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं, आसाइशों में भी हमसे आगे हैं, आसानियों में भी हमसे आगे हैं, बहुत आगे हैं हमसे। और छोटे छोटे दुनिया के ममालिक हमसे आगे हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े यूरोप में लगते हैं, हांगकांग, बैंकॉक, थाईलैंड, ये सब छोटे छोटे जज़ीरे थे जो आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और हम इन खबीस, इन मर्दूद, इन बेग़ैरत सियासतदानों को अपना गोश्त नुचवाते 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 आज इस जगह पहुंच चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा निचली सतह पे हैं हम लोग। कि अगर कहीं कूड़ा कचरा उठाने से ले करके और अगर आवाम तक हम देख लें, तो अवामी सतह पर भी अगर ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा, बहरहाल, लेकिन खैर, मैं आपको ये एक सच्चाई वाली बात बयान कर रहा हूँ कि हम कौमी तौर के ऊपर ही करप्ट हैं। जब तक हम कौमी तौर पे करप्शन जो है ना, कौमी तौर पे है करप्ट इस वक्त हम लोग, एक दुकानदार से लेकर के, एक सब्ज़ी वाले से लेकर के और वज़ीर आज़म तक, जब हर शख्स अपनी सीट को एंजॉय करेगा ना, एक सब्ज़ी वाला भी अपनी सीट को एंजॉय कर रहा है, उसको एंजॉय करने का मतलब ये होता है कि वो डंडी मार रहा है रेट में भी, वो डंडी मार रहा है वज़न में भी, और उसके हाथ में भी आपको ज़रूर एक मोबाइल नज़र आएगा और उसकी अय्याशियाँ नज़र आ रही हैं। हम अय्याश कौम हो चुके, असल में सच बात यह है कि हम एक अय्याश कौम है और हमें अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिल रही कि हम अपने मसाइल को भी देख सकें। हमें अपनी अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं है ना। हम वो कौम है कि कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, पेट्रोल 0 पे चला गया और हम इंजॉय करते रहे, बिरयानी बना के घर पे खाते रहे और हम फेसबुक पर लगाते रहे कि कोरोना से लड़ना नहीं, डरना नहीं, लड़ना है, और हम फेसबुक और सोशल मीडिया पे हमने कोरोना को शिकस्त दे दी। तो हम तो बड़ी अय्याश कौम है। हमें तो देखें, हम इतनी बड़ी अय्याश कौम है दुनिया की, मैं आज आपको बता दूँ कि हम इतनी बड़ी अय्याश कौम है कि अगर आईफोन जैसा कंपनी, सैमसंग जैसी कंपनी अगर 15 लाख रुपए का फ़ोन लॉन्च करके कहे ना दुनिया में कि ये 15 लाख रुपए का फ़ोन है, तो चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं बिके या ना बिके, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर उसके 2000 पीस बिक जाएंगे मेरे दोस्त। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि हम जब तक अपनी अय्याशियों में कमी नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने मसाइल के लिए खुद उठ के खड़े नहीं होंगे, ये के इलेक्ट्रिक जैसे गिद्ध हमें लूटते रहेंगे, हमारी हड्डियों से गूदा भी चूस के निकालते रहेंगे। तो इतनी सारी बातें करने का आप लोगों से मकसद ये था कि ये जो खबीस ये कर रहा है ये महकमा, फॉल्ट पर अलग बंद, फॉल्ट हो गया जी 2 घंटे बंद थी, PMT बैठ गई जी 2 घंटे बंद थी, उसके बाद लोड शेडिंग का दौरान यह वही रहेगा। तो ये तो इंसानियत से गिरा हुआ महकमा है, इंसानियत से गिरा हुआ एक नासूर है, जिसे हमें अपने जिसम से, हमने अपने शहर से उखाड़ के फेंकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस नासूर को उखाड़ने के लिए हमें खुद ही कोशिश करना होगी। अगर हमें अपने ज़ख्म को दिखाने के लिए हम खुद नहीं डॉक्टर के, सर्जन के पास बैठेंगे और हम कहें किसी को जाए तुम जाके दिखा दो, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हमें इस नासूर को, इस ज़ख्म को, इन बेगैरतों को सीधा करने के लिए, क्योंकि इनको, इनके अंदर एक ज़रूरती बराबर भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, ना सियासतदानों में, ना इस महकमे के लोगों में, ना और किसी के लोगों के अंदर, के जो कोई इनको सुधार सके, इनके अंदर किसी के अंदर ज़रा सी भी शर्म हया है ही नहीं। क्योंकि इनके अंदर अगर शर्म हया होती तो आज हम आवाम इस जगह पर नहीं होते। हर जगह पर लीडर ही अपने मुल्क को संवारता है, जिसकी मिसाल तुर्की अपनी जगह पर मौजूद है। तो आज हमें अपने लिए खुद सोचना है, सोचिए, अपने लिए सोचिए, इस बेगैरत महकमे के अंजाम के लिए सोचिए,
इस खबीस इस जिंदीक महकमे के अंजाम के लिए सोचिए और आवाज़ उठाइए इसके इलेक्ट्रिक बेगैरत महकमे के लिए कि ये बेगैरत महकमा अपने अंजाम को पहुँचे और इसके साथ साथ नई कंपनीज़ यहाँ आ सकें, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो और जहाँ मुकाबला होता है वहीं लोगों को सहूलतें मिलती हैं मेरे दोस्त। वरना मोनोपोली तो एक ही बंदे की होती है, बदमाशी एक ही बंदे की है, जो ये ज़िंदगी खबीस बेगैरत महकमा दिखा रहा है, जो इसके लोग दिखा रहे हैं जिन्होंने सोचा हुआ है कि हमने मरना ही नहीं है ज़िंदगी में कभी। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए और आम आदमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स ज़रूर देते रहिए। मेरी बातें अगर बुरी लगे हैं तब भी कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगें तब भी कमेंट्स कीजिए, अगर कोई सजेशन हो तब भी कमेंट्स कीजिए और अगर कोई मसला हो तो उस पर भी कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बात करूँगा आपके हक़ के लिए। क्योंकि जब हम खड़े होंगे एक साथ मिल के, एक हाथ की जंजीर बन के, तभी हमें कोई रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, जद्दोजहद के लिए निकलना चाहिए, जब हम निकलेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। आम आदमी के चैनल से सलीम राजा को अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, के इलेक्ट्रिक तुम पर लानत 1000 नहीं 1 करोड़ बार लानत तुम्हारे महकमे और तुम्हारे लोगों पर, के इलेक्ट्रिक तुम पर लानत 1 करोड़ बार। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल है आम आदमी का। हमारे YouTube चैनल का नाम है आम आदमी, तो जल्दी से आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।